गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2। क्या करने वाले हैं स्टूडेंट आज इस एक्सरसाइज में? हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। क्या बात है? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट। क्या आप लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं या लाइक टर्म को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? लाइक टर्म नहीं होंगे तो वो जो के तो रखे रहेंगे, आप उन्हें उनका कुछ नहीं कर सकते। किसका कर सकते हैं स्टूडेंट? आप लाइक टर्म, लाइक टर्म मीन्स जिसमें वेरिएबल सेम होता है स्टूडेंट, वेरिएबल सेम। कल हमने एक्सरसाइज जो की थी उसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताए थे स्टूडेंट। जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म होते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ सम लिख के अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये है एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है सम करना में एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड प्लस। प्लस वाले में तो आप स्टूडेंट सीधे सीधे लिख सकते हैं, बट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें ब्रैकेट लगाना नेसेसरी होगा। फिलहाल तो आप ये फर्स्ट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, सेकेंड लिखिए टू वाई माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव जेड। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये एक्स है और ये माइनस थ्री एक्स। मैंने कहा था स्टूडेंट अभी लाइक टर्म में ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सेम वेरिएबल है। ये वन एक्स है, ये माइनस थ्री एक्स है। तो स्टूडेंट माइनस थ्री एक्स में से वन एक्स आप ऐड कर दोगे, माइनस टू एक्स बचेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये माइनस टू वाई है, ये प्लस टू वाई है, ये तो कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। ये 5z है और ये 1z है, तो स्टूडेंट प्लस के 4z बचे, ये आपका आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सेकंड। सम 3/2 ए स्क्वायर बी माइनस 1/2 ए बी प्लस। ये फर्स्ट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया स्टूडेंट आपका। सेकंड है 3a² b प्लस टू ए बी। अब आप देखिएगा स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर बी, आपको वेरिएबल देखना है स्टूडेंट। लाइक वेरिएबल होगा तभी ऐड हो पाएगा। ए स्क्वायर बी, ये भी ए स्क्वायर बी है, तो ऐड कर दीजिए स्टूडेंट इन्हें। अब इनमें दिक्कत क्या स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर है, तो ए स्क्वायर बी कॉमन ले लेंगे इसमें से, और क्या बचा 3/2 प्लस 3 इन्हें ऐड कर देंगे, ये बचा ए स्क्वायर बी। ऐसे स्टूडेंट यहाँ ए बी और ए बी ये सेम वेरिएबल है, तो ऐड हो जाएगा। प्लस वाला पहले लिख लीजिए, माइनस 1/2 ए बी। इस तरह से मैं इसे दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए अलग से करके दिखा दूँ। 2ab माइनस 1/2 ए बी, तो ए बी कॉमन आ गया स्टूडेंट, ए बी तो क्या बचा 2 माइनस 1/2। इस तरह से मैंने लिखा है स्टूडेंट, यहाँ आप इसे देख सकते हैं। मैं फिलहाल रब कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका 1 ले लिया आपने यहाँ से, 3 प्लस 2 थ्री जो 6/2 ए स्क्वायर बी प्लस 2 टू जो 4 माइनस 1/2 ए बी। क्या हो जाएगा ये आपका 6 × 3 9/2 ए स्क्वायर बी, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 3/2 ए बी। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करना है, बस इसका एक ही पार्ट हमने लिखा है, इसमें 2 पार्ट है स्टूडेंट, एक पार्ट आपको करना है। सम करिएगा, ये फर्स्ट 2x² माइनस 3y² प्लस 4z² फर्स्ट लिख लिया आपने, प्लस करके अब सेकंड लिखना शुरू कीजिए, 2y² 3x² और सेकेंड हो गया। थर्ड लिखना शुरू कीजिए, 2y² माइनस 3x² प्लस 4z². तो करिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप x² को ही देख लीजिए, ये 2x² है, ये 3x², ये भी, मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए स्टूडेंट। जो लाइक टर्म होंगे उनमें ये ऑपरेशन हो सकता है। तो ये 2x² है, ये 3x², ये 3x², तो 2x² पॉजिटिव और नेगेटिव कितने हो गए स्टूडेंट, माइनस 6x². चलिए स्टूडेंट ये हो गया इसका। अब देखिए y², ये 2y², ये 2y², तो पॉजिटिव तो है स्टूडेंट 4y² और नेगेटिव कितने हैं 3y²
अब जेड को देख लीजिए, ये फोर जेड स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और ये भी फोर जेड स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर और फोर एट जेड स्क्वायर। अब आगे बढ़ाइए स्टूडेंट क्वेश्चन को, ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर बचेंगे, ये यहाँ फोर वाई में से थ्री वाई, फोर वाई स्क्वायर में से थ्री वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन वाई स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट आपका, और यहाँ हो जाएगा आपका एट जेड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे आप। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, सब्ट्रैक्ट सिक्स एक्स प्लस वाई फ्रॉम, इसमें से सब्ट्रैक्ट, इसे करना है सब्ट्रैक्ट इसमें से, तो डिफरेंस क्या रह जाएगा स्टूडेंट, इसे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, एट एक्स माइनस टू वाई को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई। जब स्टूडेंट नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है आपको, ब्रैकेट नेसेसरी है स्टूडेंट। देखिए एट एक्स माइनस टू वाई, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स और माइनस वाई, एट एक्स में से सिक्स एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो टू एक्स बचेंगे, और ये माइनस टू वाई है, ये भी माइनस है, माइनस थ्री वाई, ये टू और ये वन। इसे देखेंगे स्टूडेंट, इसे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इसे पहले लिखेंगे, नाइन पी स्क्वायर माइनस सिक्स क्यू स्क्वायर, मैंने कहा जब नेगेटिव आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट नेसेसरी है, थ्री पी स्क्वायर माइनस टू क्यू रिमूव कीजिए स्टूडेंट यहाँ से, अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, नाइन पी स्क्वायर माइनस सिक्स क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस टू क्यू। तो देखिएगा स्टूडेंट, नाइन पी स्क्वायर में से थ्री पी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो हो गया सिक्स पी स्क्वायर, और सिक्स क्यू स्क्वायर का कोई है रिस्टेंट लाइट टर्म तो ये झुका तो रहेगा, और यहाँ देखिए आप टू क्यू, ये भी झुका तो रहेगा। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, सब्ट्रैक्ट, इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ, इनके सम में से, तो डिफरेंस लिख के इन दोनों का सम आप कर लेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टू, इनका सम हो गया स्टूडेंट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसे, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन, तो यहाँ टू एक्स स्क्वायर और नाइन ही हो गया स्टूडेंट, अलेवन एक्स स्क्वायर थ्री एक्स जोका टू माइनस टू। स्टूडेंट जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस वन, अलेवन एक्स स्क्वायर में से फोर एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सेवन एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स और एट एक्स ये मिल के हो जाएंगे आपके अलेवन एक्स, माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री। बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर, व्हाट शुड बी एडिड टू, इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि ये आ जाए, आंसर में सिक्स एक्स प्लस वाई। मान लीजिए स्टूडेंट आपने इसमें पी ऐड कर लिया, ध्यान दें स्टूडेंट पी, पी ऐड कर लिया और पी ऐड करने से ये आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस फोर वाई, तो हमें तो p चाहिए स्टूडेंट, क्या ऐड किया है, अब ये 6x और ये y ट्रांसपोज करके उधर ले जाइए, ट्रांसपोज करने से क्या होगा स्टूडेंट, साइन चेंज हो जाते हैं तो 6x उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, y उधर जाएगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स, और फोर वाई में से y सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस थ्री वाई। रिक्वायर्ड एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका आ गया माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री वाई। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे।
स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इन दोनों के सब में से। तो डिफरेंस में इन दोनों का सब पहले आएगा स्टूडेंट, 5x² - 2x + 3x² + x + 3। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला 3x² + 2x - 1, प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है स्टूडेंट देख पा रहे होंगे आप, तो ब्रैकेट लगा लीजिए, -2x² + 3x - 5। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों का सम फ्रॉम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, 5x² और 3, ये लाइट टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, 8x² हो गया, -2x और प्लस x माइनस के x बचे, और ये +3 - 3x² + 2x - 1। प्लस का स्टूडेंट मल्टीप्लाई करोगे तो साइड चौक के तो रहेंगे, 2x² + 3x - 5। 8x² - x + 3 - देखिएगा स्टूडेंट, 3x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट करोगे तो x², ये 2x पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो गए 5x, -1 - -5 ये दोनों कंबाइंड होके हो जाएंगे 6। अब ये वाला साइन ओपन कर लीजिए स्टूडेंट, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लिए, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, 8x² - x + 3 - x² - 5x + 6। 8x² में से x² सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो हो गए स्टूडेंट आपके 7x², -x और -5x ये हो गए स्टूडेंट -6x आपके, और 3x हो गए आपके 9। ओके स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिंप्लीफाई, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, a² - b² ये माइनस ओपन करोगे, ये ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -2a² - b² आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो -a² बचेगा क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा है स्टूडेंट, यहाँ से ये -1b² - 2b² हो जाएगा, ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, x + 7, 1/2 का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल होके 1, यहाँ बचेगा x/2 और यहाँ बचेगा -y। देख ले स्टूडेंट क्वेश्चन ठीक है क्या, ओके ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये 1x है, ये 1/2x है, तो x और x/2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x + x/2, 3x/2 हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो ये हो गया 3x/2। 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6 और -y, ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।